इस वीडियो में बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक को लेकर। आज का दिन में 4.89% का गिरावट किया है। अभी लाइव मार्केट का वीडियो है तो आज बाजार की कंडीशन बहुत ख़राब है। सभी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। ओला के स्टॉक ने ऑल टाइम हाई किया था 157, उसके बाद ही स्टॉक में 50% गिरावट देखने को मिल रहा है। क्या यह शेयर फिर से 50 रुपये में आएगा या 100 रुपया पार करेगा, इसके बारे में फुल एनालाइज करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के दिन में एक बड़ा गिरावट कर रहा है, कम से कम 5% गिरावट कर लिया ओला की स्टॉक ने। तो डरो मत दोस्तों, अगर आपने ऊपर के लेवल में ऑल टाइम अगर हाई किया है जैसे 140 एंड 150, अगर इस बाह पर लिया है, अगर आपका लॉस हो रहा है 50% कैपिटल, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। हो सकता है आज ना कल बाउंस बैक होकर जितना ऑल टाइम हाई किया था वो पार करेगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। कल अगर मार्केट ओपन होते ही 85 का रेजिस्टेंस लेवल अगर पार करता है तो स्टॉक में 1% 2% करके तेजी आ सकता है। तो डरो मत दोस्तों। देखो दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट है, किसी का 1 लाख हो जाता है 50 करोड़, तो रिस्क है तो पैसा है। इस स्टॉक को 2 साल 5 साल के लिए अगर होल्ड करेंगे तो आप प्रॉफिट पा सकते हैं। आप 500 का टारगेट रख सकते हैं। शेयर गिरने का कारण है बाजार खराब, ठीक हो जाएगा तब शेयर में तेजी आकर आपको प्रॉफिट देगा। तो यह वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और यह वीडियो सिर्फ जनरल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, होल्डर सलाह के लिए नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपना राय बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।